महेश भट्ट की लाइफ काफी विवादों में रही है। वहीं उनके बेटे राहुल भट्ट ने एक बार डायरेक्टर के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलासा किया था। राहुल ने साल 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था, मेरे पापा ने कभी मुझे अपना बेटा माना ही नहीं, ये पिता के साथ मेरे रिलेशनशिप का सच है। राहुल ने यह भी कहा था कि उन्हें गाइड करने के लिए कभी उनके पास पिता नहीं थे। राहुल ने आगे कहा था, मेरे पिता मेरे साथ काफी अलग थे, उन्होंने हमेशा मेरे साथ गलत बिहेव किया। राहुल ने यह भी कहा था कि महेश उनका नाम मोहम्मद रखना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने जिद करके उनका नाम राहुल रखा। राहुल ने कहा था, अगर मिस्टर भट्ट खुद को अच्छा मुस्लिम समझते तो वो अपने सारे बच्चों के साथ एक जैसा बिहेव करते। बता दें कि राहुल एक फिटनेस ट्रेनर हैं, वो बिग बॉस 4 में भी नजर आ चुके हैं। 20 साल की उम्र में शादी कर ली थी। कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी ने शादी के बाद अपना नाम बदल लिया था। महेश भट्ट को पहली पत्नी से 2 बच्चे, बेटी पूजा भट्ट और बेटा राहुल भट्ट हुए। बेटी के साथ फोटोशूट हुआ था वायरल। बता दें कि महेश भट्ट ने 80 के दशक में एक मैगजीन कवर के लिए पूजा भट्ट संग एक फोटोशूट करवाया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। महेश भट्ट की हाल ही में रिया चक्रवर्ती के साथ चैट सोशल मीडिया पर लीक हुई थी। इस चैट के लीक होने के बाद से दोनों को काफी ट्रोल किया गया था। इस खबर के बाद आपका क्या कहना है दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप ऐसे ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए आप बॉलीवुड न्यूज हब आप देखते रहे। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूले, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। नमस्कार।